नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंदर सिंह इनफीक्यू क्लासेस के डिजिटल मंच पर आप सभी को फिर से एक सक्सेस स्टोरी लेके आया हूं। और आप देख सकते हैं मेरे सामने जो सक्सेस स्टोरी जो वैभव, यहां पे वैभव का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि ये भी वन ऑफ द कंप्यूटर टीचर सेलेक्टेड है। आप देख सकते हैं ये भी अपनी मंजिल तक पहुंचे हैं, तो क्यों ना इनकी भी सक्सेस स्टोरी आपके सामने आए, क्योंकि निरंतर हम इनफीक्यू क्लासेस सक्सेस स्टोरी लेके आ रहे हैं, क्योंकि आपके लिए वो चीजें सामने होनी चाहिए, एक्चुअल में फैक्ट होने चाहिए, वो विद्यार्थी आपके सामने होने चाहिए जिन्होंने अपनी मंजिल हासिल करी। और दूसरी बात, आज हम रूबरू इनकी एक साल की लगभग नौकरी हो गई है, डेढ़ दो साल तैयारी में लग गए, लगभग हम रूबरू आज हुए हैं। तो प्रोग्रामर की तैयारी के लिए, मतलब इतनी बड़ी जो 10 साल बाद जो भर्ती आई है उसकी तैयारी दोबारा इनफीक्यू क्लासेस के साथ करना चाहते हैं, उसी टीम के साथ करना चाहते हैं जिस टीम की बदौलत आज ही कंप्यूटर टीचर इंस्ट्रक्टर बने हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, बदौलत कुछ नहीं होता, बच्चे की मेहनत होती है, जो रेगुलर कंटेंट पढ़ता है, सही अब दिशा में चलता है, सही लोगों पे विश्वास करता है, तभी जाके सिलेक्शन की मंजिल तक पहुंचता है। मिसगाइड करने वाले मार्केट में आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, तो इसी वजह से सक्सेस स्टोरी लाने का एक मोटो यही है कि आपको गाइड करने वाले विद्यार्थी सामने, जो खुद प्रूफ बन के बोले कि उन लोगों ने जो सक्सेस की मंजिल तक पहुंचे हैं उनका क्या रोल रहा है, किस तरह से पहुंचे। तो आपका बहुत बहुत वैभव जी अभिनंदन है, स्वागत है, बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा उल्लास हो रहा है कि आप कंप्यूटर टीचर सेलेक्ट हैं और एक नई मंजिल की ओर हैं। तो हमारे जो दर्शक हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, उनको आप अपनी स्टोरी के बारे में बताएं, मतलब वास्तव में हम लोगों पे, हमारे कंटेंट पे विश्वास जमाया जा सकता है, और क्या टेस्ट सीरीज बार बार क्वेश्चन पढ़ने से क्या एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो विद्यार्थियों को बताएं सर। थैंक यू विजेंद्र सर, थैंक यू टीम इनफीक्यू, तो बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आपका, आपने मेरे को यहाँ बुलाया, ऐसा मौका दिया कि मैं इस मंच पे बोल सकूं। तो इनफीक्यू से मेरा रिश्ता पुराना है, मैं बीसीआई सेलेक्ट हुआ तो स्टार्टिंग में मैं जॉब करता था, जैसे सर को पता भी है, आप सबके लिए बताना चाह रहा हूँ, मैं जॉब में था, जॉब से मैं इतना ही टाइमिंग दे पाता था, तो फिर भी सर ने मेरे को मोटिवेट किया, शुरू की 3-4 घंटे क्लास में ले लेता था, उसके बाद जब भी क्लास छूटती थी तो मैं सर से डिस्कस भी कर लेता था, कंटेंट अच्छा था, मेहनत भी करी और सब कुछ पढ़ाया, वो अच्छे से समझ में आया, अच्छे से स्टडी की, प्रॉपर प्लानिंग थी, बार बार आपका गाइडेंस रहा हर जगह, इस हिसाब से सक्सेसफुल हो गए, ठीक है, किस्मत थी, हमने भी पढ़ा, आपका फुल सपोर्ट था, तो उसके लिए तो टीम इनफीक्यू का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी फैकल्टी यही थी, फैकल्टी का मैं, बाकी तो सब आपको मिल जाएंगे मार्केट में, कोचिंग भी मिल जाएंगी, इंस्टीट्यूट भी मिल जाएगी, विशेषकर फैकल्टी का। और मैंने पहले ही दिन जिस दिन मैंने केडिया जी की क्लास ली, मैंने कहा भाई इससे अच्छा कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे तो मैं उनका तो बहुत बड़ा फैन हूँ, मतलब बिल्कुल जो उनका पढ़ाने का लेवल है, हम 10 साल सर्विस में छोड़ दिया था हमने, बिल्कुल 10 साल इस चीज से दूर थे, 13 में बीटेक हो गई, उसके बाद 12 में बीटेक हो गई थी, उसके बाद अचानक आना, पूरा तैयारी करना, तो वो सब कुछ ऐसा लगा कि बिल्कुल माहौल में ढल गए, फुल मोटिवेशन। और ये अकेला वैभव जी का ही एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी को डर लगता है कि साहब 10 साल हो गए पढ़ाई छोड़े तो क्या सिलेक्शन हो सकता है, कि आप देखो कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की लगभग 3,000-3,500 पोस्टें खाली हो गई, आप देख सकते हैं कि 10 साल बाद स्टडी करना और उसके बाद प्राइवेट जॉब में परिवार संभालना, जॉब संभालना, उसके बाद कुछ समय अपने लिए निकाल के स्टडी करना, देखिए समय इन्होंने निकाला, मेहनत करी, लेकिन अगर सही कंटेंट नहीं होता तो शायद ही मंजिल नहीं होती। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, कंटेंट का और गाइडेंस का बिल्कुल आपको अंदाजा होना चाहिए कि कहां से हमें पढ़ना है, क्योंकि देखिए गाइडेंस और कंटेंट ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। दोबारा इन्होंने विश्वास जमाया इनफीक्यू टीम पर, इन सभी फैकल्टीज पे, और कि मुझे प्रोग्रामर भी यहीं से बनना है, क्योंकि सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, आप देखें कि नवीन केडिया सर हैं, धर्मवीर जी हैं, मैं हूं, आप हमारी कोई भी क्लास को आप YouTube पे देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि वास्तव में कंटेंट स्पेसिफिक है, टॉप क्लास में आपको 2-4 पढ़ा दिया दिखा दे, लेकिन शुरू से एंड तक कौन टिका हुआ है, अच्छे से कौन पढ़ा रहा है, कौन आपको गाइडेंस दे रहा है, कौन आपका मॉरल सपोर्ट कर रहा है, बहुत बड़ी चीज होती है। देखिए मुझे आज भी याद है कि वैभव हमेशा क्लास में लेट आता था, लेकिन एक दिन मेरी चर्चा हुई कि वैभव लेट सर मैं जॉब भी करता हूँ, परिवार है, बच्चे छोड़ नहीं सकता, मैं बिल्कुल ये भी चीज समझता हूँ कि मेरा भी परिवार है तो मैं भी जॉब नहीं छोड़ सकता, फिर भी इन्होंने निरंतर ऐसे कम से कम, मैं आपको कम से कम ऐसे 100-150 विद्यार्थियों के एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो जॉब के साथ साथ कोचिंग करते थे, सही कंटेंट विश्वास करते थे, और उनमें से ज्यादातर लगे हुए हैं, और मोस्टली वो विद्यार्थी सभी इनफीक्यू क्लासेस आप देख सकते हैं कि बच्चे अपने सिलेक्शन तक पहुंचे। मैं आपसे, जैसे मैं हर एक सक्सेस स्टोरी में कहता हूं वैभव जी,
कि जो विद्यार्थी आज कंप्यूटर टीचर है ना, उसको प्रोग्रामर देखना चाहते हैं, कि हमारा सपना है कि प्रोग्रामर भी हमारा ही बच्चा हो। जैसे सूचना सहायक में मैं आपको बता दूं, हम बहुत तगड़ा स्कोर करें, अभी आप बैठे कितने सारे बच्चे हैं किसी का, आप ये ट्रू बात है, कोई 100 बता रहा है, कोई 120, हमारा हाईएस्ट 132 का स्कोर रहा है, तो वहां पर भी हम अच्छा स्कोर कर रहे हैं। बाकी आप और कुछ विद्यार्थियों को गाइड करना चाहते हैं तो आप बताएं सर। गाइड के लिए तो सर बाकी तो आप लोग करते रहते हैं यूट्यूब पे, पर फिर भी मैं मेरा एक्सपीरियंस ये बताऊंगा कि ये बीसीआई का एग्जाम हुआ, क्रैक हुआ, उसके बाद प्रोग्रामर का दिमाग में शुरू से था, क्योंकि 13 में मैंने प्रोग्रामर का पेपर दिया था जी जी, पर उस समय तो कुछ पढ़ाई तो की नहीं थी, बस ऐसे पेपर दिया था एक्सपीरियंस के लिए। अब जब भर्ती आई, फिर यहाँ पढ़ाई की, सारा कंटेंट देखा, अब हमें ऐसे फील आने लगा कि यार अपन प्रोग्रामर कर सकते हैं। बिल्कुल, कर क्यों कर सकते हैं, क्यों करना चाहिए, उसका कारण है एक तो ग्रेड पे, देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण ग्रेड पे और नेचर ऑफ जॉब जो भी है, ग्रोथ है, अच्छी अच्छी जॉब है, 4800 ग्रेड पे फर्स्ट ग्रेड की जॉब है, तो मेन कारण तो यही है। और बाकी सब आपका गाइडेंस है, जो पढ़ा रहे हो, जो फैकल्टी पढ़ा रही है, वो सब कुछ समझ में आ रहा है। ऐसा लग रहा है बीटेक में जो चीजें समझ में नहीं आती थी उस समय, वो ऐसा लग रहा है बिल्कुल बिल्कुल इजी चीजें थी जो अपन ने छोड़ दी। केडिया सर है आपका, है उनका सैड वाले सर है, मोगा सर है, तो सबका जो मतलब एक फैमिलियर तो एटमॉस्फेयर है, कोई भी चीज डिस्कस करनी हो हम आपके पास आ जाते हैं, नोट्स कुछ चाहिए होते हैं तो हम आपको बोल देते हैं, तो एक उस एटमॉस्फेयर का, उसका माहौल का इतना इफेक्ट है कि मैं ये मुझे लग रहा है कि भाई ठीक है अपन मेहनत करेंगे, आगे तो ईश्वर के हाथ है, पर अगर कंटिन्यू रहेंगे, मेहनत करेंगे तो कुछ अच्छा ही होगा। बिल्कुल डेफिनेटली, मतलब ये शब्द मैं बहुत गहराई से सुनता हूँ, जब विद्यार्थी सेलेक्ट होके अपनी सक्सेस स्टोरी बताता है, उसी वजह से हम प्रोग्रामर में जी जान लगा रखी है, क्योंकि एक सरकारी नौकरी ऑलरेडी ली हुई है, दूसरी बड़ी मंजिल की तरफ उड़ान भाग रहा है, अगर उस उड़ान की मंजिल में अगर हमारा सहयोग हो जाए और विद्यार्थी को अपने परिवार उसको खुशी मिल जाता है, इससे बड़ी खुशी की क्या बात होती है। लाइफ में पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन जो कहते हैं ना कि जो इज्जत है, जो विश्वास है, वो हर कोई नहीं कमा सकता, तो उसी विश्वास के साथ हम लगे हुए हैं, चाहे मैं हूं, चाहे हमारी इन्फिक्यू टीम में केडिया सर हैं, चाहे मोगा सर है, सब निरंतर लगे हैं। और मैं आपको वैभव जी एक विश्वास जमाता हूं कि मैं हर बार एक सक्सेस स्टोरी डालता हूं, मैं ये कहता हूं कि मैं दोबारा मिलना चाहता हूं, तो मेरा विश्वास मैं आपको देता हूं, मेहनत हम करेंगे, उतनी मेहनत करनी, बाकी ईश्वर के हाथ में कि लाइफ में क्या होना क्या नहीं होना, लेकिन मैं विश्वास जमाता हूं कि आप मेहनत करेंगे। और देखिए मेहनत की झील तो है, क्योंकि जॉब के साथ साथ पहले भी एक सिलेक्शन लिया है और आज सरकारी जॉब के साथ भी सिलेक्शन लोगे। बिल्कुल लास्ट शब्द में कुछ और कहना चाहते हैं, फिर अपन बाइंड अप करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, ठीक है आपको फैकल्टी पढ़ा रही है, तो आपको फैकल्टी पे विश्वास रखना है कि वो कंटेंट अपना ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं। मैंने कुछ बच्चे, मैं बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल देता हूँ, आप भी पढ़ा देते ना सी और जावा पढ़ा देते, तो बच्चे टर्बो सी पे मोबाइल पे चलाते थे, यार ये तो सिंटैक्स एरर आ रही है, तो आप भी उनको कहते थे कि बेटा आपको सिंटैक्स एरर नहीं निकालनी, आपका प्रैक्टिकल नहीं है और बात है। आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। बिल्कुल, तो इस चीज पे आप फैकल्टी पे विश्वास रखिए, बिल्कुल जो पढ़ा रहे हैं उस पर विश्वास रखिए, कहाँ कहाँ से कंटेंट आ रहा है, मतलब हर चीज, मतलब भाभा रिसर्च के जो पेपर्स है, नेट के, जेआरएफ के पेपर है, उतनी रिसर्च हो रही है, तो पूरा कंटेंट प्रॉपर प्रोग्रामर के हिसाब से उससे ऊपर लेवल का ही तैयार हो रहा है। बिल्कुल। तो बिल्कुल फेथ रखे, अच्छे से मेहनत करें, क्लासे रेगुलर लें, टेस्ट रेगुलर दें और फैकल्टी के टच में रहें, ताकि कोई कंसेप्ट क्लियर में दिक्कत हो तो वो आप क्लियर कर सकें। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई आपको। अगेन फिर मैं एक छोटा सा कंक्लूड करूंगा कि हमेशा मंजिलों पर पहुंचने के लिए शुरुआत जीरो से करनी होती है, तो अभी आपके बिल्कुल बेसिक्स क्लासेस चल रही है, जीरो टू एडवांस हर सब्जेक्ट में, चाहे वो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हो, जिसमें हमें सारे कॉन्सेप्ट जावा के, सी प्लस के सभी पढ़ने, और साथ में हमें .NET भी पढ़ना है, वी भी पढ़ना है, ऐसे चाहे सेड पढ़ना हो, चाहे DBMS एंड नेटवर्किंग, बिल्कुल जीरो से उठा रहे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जीरो से उठा के टॉप पे ले जाने वाला ही आपको बड़ी उड़ान बढ़ा सकता है, लेकिन जिसको 10-5 क्लासेस टॉपिक पढ़ा दिया बड़े बड़े और उसके बाद कुछ नहीं है, या कोई PPT से आपको पढ़ा रहा है, विश्वास नहीं करना, जिसको PPT पे भरोसा है वो आगे नहीं कर सकता, जिसको खुद को 4 शब्द याद नहीं वो आगे नहीं कर सकता। तो इस वजह से हमारा विश्वास है, चाहे हमें रात दिन निरंतर पढ़ के बच्चों के लिए मेहनत करनी हो, हमारी सक्सेस स्टोरीज बनाने का जो जुनून है और जो सिलेक्शन देने की हमने कसम खा रखी, हमें जैसे मैंने कहा ना सूचना चाहिए, अभी रिसेंटली 2024-21 को जो एग्जाम हुआ है, सबसे ज्यादा स्कोरर इन्फीक्यू क्लास कर रही है, तो उसी हिसाब से हमारी एक हम लोगों ने रणनीति बनाई कि RPC प्रोग्रामर भी हर डिस्ट्रिक्ट पे हर जगह इन्फीक्यू से होगा। और मैं तो सक्सेस स्टोरी वालों से बहुत उम्मीद रखता हूं, तो आपसे भी अगेन आपको बधाई और आपको शुभकामनाएं। तैयारी करना, जब भी कोई भी चीज की जरूरत होगी तो इन्फीक्यू का मंच आप लोगों के लिए तैयार है, चाहे वो विद्यार्थी सुनने वाला हो, चाहे हम सक्सेस स्टोरी वाले, विद्यार्थी हमारे लिए सब बराबर है,
मेहनत करने वालों के लिए कभी हार नहीं होती है। और दूसरी बात फिर मैं कहता हूं कि हमेशा खुद पे ही ज्यादा विश्वास करना है, क्योंकि देखिए कंटेंट डायरेक्शन मिल रहा है लेकिन मेहनत आपकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि देखिए कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं आपको, क्या बोलते हैं, रेगुलर क्लासेस दे रहे हैं, लेकिन खुद ने मेहनत नहीं करी तो सिलेक्शन नहीं है सर। बिल्कुल सर। तो मैं आपको सभी को शुभकामनाएं कि भाई आप मेहनत करें, अच्छे से सिलेक्शन हो, आप टाइपिंग भी अच्छे से करें और आगे प्रोग्रामर की अगर एलिजिबल है तो तैयारी करें। और साथ में आपको भी ढेरों शुभकामना अगेन पूरे परिवार को। धन्यवाद।